Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken class. Friends, in the last class I taught you about the future perfect tense. And उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि future perfect tense क्या होता है और किस तरह के sentence होते हैं उसमें और कैसे पहचानते हैं उसको, पहचानने का नियम क्या है. ठीक है friends, today I will teach you about the future perfect continuous tense. Not so hard, it's very easy. Okay, let's start the class of the day. Friends, आप लोग किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानते होंगे, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अगर वो सब समझ में आ चुका होगा तो इसको भी समझने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी बड़ी बात नहीं है. सेम चीज है, इसमें सिर्फ फ्यूचर में शैल विल हैव लगाना पड़ता है और उसमें सिर्फ हैव हैज लगाना पड़ता था और पास्ट में सिर्फ हैड लगाना पड़ता था. बस यही फर्क है हेल्पिंग वर्ब का, और कुछ फर्क नहीं है. वही बिन वही लगेगा, वही सिंस वही फॉर सब वही, सब कुछ वही लगेगा. बस इसमें थोड़ा समझना होगा कि इसमें आने वाले समय में होने वाले काम के बारे में हम बात करते हैं तब हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. ज्यादातर इस टेंस का इस्तेमाल नहीं होता है, बट फिर भी जान लेना जरूरी है, कभी कभार होता भी है. ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक कन्वर्सेशनल वीडियो, लेट्स वॉच. Did you enjoy it? Yes. Hey guys. Good evening, sir. Good evening, good evening, good evening. Aur Krishan, how are you? Fine. Yes. So yes, what's going on? Oh, Deva sir, what brings you here after a long time? Yes, I had not met you for a long time. Leave it. Tell me, what is the program for tomorrow? Tomorrow? What is there on tomorrow? Tomorrow you don't know? Tomorrow is the 1st January, era. It's new year. And I have hit upon a plan. What is that? We'll go to the Khandala on a picnic. Okay? And we'll prepare all the food items ourselves. And we'll enjoy them. Yes. What is it? Yes. We'll have music system too. Yes. And we all will enjoy and dance. Yes, of course. Very good idea, dude. It will be great fun. I will also go with you. Yes, Anjali, but first you will have to ask your father. Yes, I will ask. Yes, ask and tell me, okay? Yes. So, let's go to the market for shopping. Okay. Okay. Let's go. हाय फ्रेंड्स, आप सबको, हमारे सभी सब्सक्राइबर्स को और सभी व्यूअर्स को हमारी देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास की तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर्स. ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसके पहचान के नियम सबसे पहले हम बता रहा हूं मैं आपको कि इसके पहचान के नियम क्या होते हैं, पहचानने का नियम क्या होता है. तो पहचानने का नियम यह है कि सेंटेंस के अंत में या तो देखो वह खाती रहेगी, यानी कि ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, इस तरह से रहेगा. या उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ता हुआ रहेगा, ता हुआ हुई रहेगी, ता हुए रहेंगे, हुआ हुए हुई, इस तरह से रहेगा. उसके बाद फिर रहेगा, रहेगी, रहेंगे, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा. ठीक है, हम सेंटेंस बनाते हैं, वह खाती रहेगी या वह खाती हुई रहेगी. उसने खाया नहीं है, वो खाया भी नहीं था, उसने खा भी नहीं रही है, वो खाएगी, मतलब खाती हुई रहेगी, ज्यादा देर तक खाती रहेगी, तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से बनाते हैं. तो वो खाती हुई रहेगी, शी, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, शी विल बी, शी विल हैव बीन ईटिंग, शी विल हैव बीन ईटिंग. ठीक है, She'll have been eating. इसमें समय नहीं दिया है, इसलिए हम सिंस फॉर नहीं लगा रहे हैं. जब इसमें समय यानी कि कोई भी पीरियड या टाइम ऑफ पीरियड दिया रहेगा, इसमें ड्यूरेशन दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा,
समय दिन तारीख दिया रहेगा तो उसमें हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे, और सिंस और फॉर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं कैसे करते हैं वो आपको फिर से समझाने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। तो वह गाता हुआ रहेगा या वह गाता रहेगा, ही विल हैव बीन सिंगिंग, ठीक है। वे लोग दो घंटों से खेलते हुए रहेंगे, तो वे लोग दो घंटों से खेलते हुए रहेंगे, यहां पे टाइम भी दिया है, तो दे मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप लोग समझ लेना, मैंने इसके बारे में काफी कुछ बता चुका हूं, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, दे विल यानी कि दे हैव बीन प्लेइंग, दो घंटों से है तो फोर लगाएंगे, टू आवर्स, ठीक है फ्रेंड्स। वह 2019 से यानी कि इसमें साल दिया हुआ है तो समय दिया है, साल दिन तारीख कुछ भी दिया है, टाइम बजे समय दिन तारीख, तो उसमें हम सिर्फ फोर लगाएंगे, तो ही विल हैव बीन स्कूल में पढ़ाता हुआ रहेगा, तो टीचिंग इन द स्कूल कब से, 2019 से है, तो यहाँ पर परफेक्ट टाइम ऑफ पीरियड दिया हुआ है, इसके लिए हम यहाँ पे सिंस लगाएंगे, तो सिंस 19, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स फटाफट करके देख लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैंने सेंटेंस सारे लिख दिया है और इसको हम एक एक करके बनाते हुए समझते जाते हैं, ओके। तो वह दो घंटों से नहीं खेलता रहेगा, तो सिंपल है, ही वोंट, यहां पर मैं शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए आप लोग घबराना मत कि वोंट क्यों लिख दिया, विल नॉट हैव होगा तो वोंट, विल नॉट का वोंट हैव बीन प्लेइंग कितना, दो घंटों से, तो फॉर टू आवर, ठीक है फ्रेंड्स। ही वोंट हैव बीन प्लेइंग फॉर टू आवर्स, क्या वह दो घंटों से खेलता रहेगा, तो विल ही हैव बीन प्लेइंग दो घंटों से, सब में वही फोर लगेगा, सेम चीज है, टू आवर्स, ठीक है। तो विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर टू आवर्स, क्या वह दो घंटों से खेलता रहेगा, और यही सेंटेंस है, सेम सेंटेंस है, मैंने सिर्फ इंट्रोगेटिव नेगेटिव में उसका मैं बनाता चला गया हूं, क्या वह दो घंटों से नहीं खेलता रहेगा, तो यहां पर हम विल और नॉट को पहले लगा देंगे, मीन्स वोंट लिख देंगे, वोंट ही हैव बीन प्लेइंग फॉर टू आवर्स, वोंट ही हैव बीन प्लेइंग फॉर टू आवर्स, वह दो घंटों से क्यों खेलता रहेगा, वाई विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर टू आवर्स, ठीक है फ्रेंड। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर टेंस को हम, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पहचानते कैसे हैं, और उसके बनाने का नियम क्या है, और उसका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं और कब करते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं, किस तरह की बात को व्यक्त करने के लिए हम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।